अगर बात की जाए बिग बॉस की, बिग बॉस में दीपिका जीत कर आई है, कितनी सेटिस्फाइंग है इस डिसीजन से? और सीरियसली मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, बिकॉज मैं उस घर में रही हूँ और मुझे पता है कि कंटेस्टेंट कैसे होते हैं और वो खेल कैसा होता है. और वो इतनी सीनियर थी लेकिन उन्होंने वो चाम एक जो होना चाहिए था वो नहीं छोड़ा, और मेरे हिसाब से तो डिज़र्विंग नहीं था. मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो रोमिल ज़्यादा डिज़र्विंग था, सुरभि राणा भी डिज़र्विंग थी, दीपक ठाकुर था, इवन श्रीशांत तो था ही. मैं बिग बॉस बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही और बिग बॉस फ्लॉप है, तो आई एम सो सॉरी, मैं फ्लॉप चीज़ें नहीं देखती. मैं बिग बॉस बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही और बिग बॉस फ्लॉप है, तो आई एम सो सॉरी, मैं फ्लॉप चीज़ें नहीं देखती. मैं कास्ट मैं थी ना सी आई वॉन्ट कि श्रीशांत जीते, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग दीपिका कक्कड़ को ही जितवाएंगे. मुझे पता है मेकर्स आप देख लीजिएगा, आप मेरी जुबान देख लीजिएगा, दीपिका कक्कड़ ही विन करेगी. अरे तुम निकालो ये सब, तो तुम जर्नलिस्ट हो, पता करो. नहीं नहीं, अगर आपके हिसाब से क्या हो सकता? मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि शायद पहले से डिसाइडेड हो. मैम लेकिन आपने जैसे कि वीवो स्टार्ट जब था, बीच में जब एंड में आपने कहा था कि दीपिका ही जीतेगी और वही हुआ लास्ट मिनट में जो हमने जो हां, तो इसके पीछे क्या आप सच में फिक्स रहते हैं? नहीं फिक्स, क्योंकि काफी लोग बाद में भी ऑब्जेक्शन उठाए और काफी ट्रोल भी हुई दीपिका आपके इस बयान से बाद में. जी क्या कहना चाहिए, दीपिका से पूछा भी गया, दीपिका ने कहा मुझे इस बारे में कुछ बोलना नहीं है. यार मैं तो यही बोलूँगी कि फिक्स चीज़ कभी बोली नहीं जाती कि मैं फिक्स्ड हूँ. तो देखो यार, मतलब वो रोना और लोगों के सामने बहुत अच्छा बनना, ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो थोड़ी सी एक्चुअली हमारी जो पब्लिक है वो भी इन सब चीज़ों पे बड़ा गौर करती है कि कौन बेबस है, कौन लाचार है, तो उसे ही जिता दो. तो वो मुझे थोड़ा लग रहा था दिमाग के अंदर, बिकॉज क्लियरली कहा था कि ये फिक्स है, ये बिग बॉस ये फिक्स होता है, सिर्फ जो मैं खेली तो वो फिक्स नहीं था, बाकी सब फिक्स है. सी यार में क्या कहना है, मैं क्लियरली हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि अगर हमारा सीजन देखा जाए तो शिल्पा को मेरे हिसाब से अगर शिल्पा को मेरे हिसाब से वो लोग विनर नहीं बनाते, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे अगर वो अंदर से करना चाहते. तो मैंने हमेशा यही बोला है कि शिल्पा को जनता ने विनर बनाया है, बिकॉज हाँ जनता ने बनाया है, क्योंकि पब्लिक ने उसके लिए इतना ट्रेंड चलाया, इतने ट्विटर्स पे थे उसके और इतने चाहने वाले थे. उसका जो भाभी जी कैरेक्टर था, मैं भी बहुत बार ये चीज़ बोली हूँ कि जब मैं बिग बॉस में गई थी तो मुझे नहीं पता था कौन सेलिब्रिटी है, मुझे नहीं पता था विकास गुप्ता सेलिब्रिटी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था हिना कौन है, प्रियांक कौन है, मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं शिल्पा को जानती थी और हितेन तेजवानी को. तो उनके इतने सारे फैंस थे और उन्होंने देखा, और मेरे हिसाब से अगर अंदर का होता तो शायद शिल्पा शिंदे उस टाइम विनर नहीं होती. मैं खतरों खिलाड़ी की बात करें तो फिर आपने जो बयान दिया था कि विकास गुप्ता वजह से आप नहीं जा पाए, कितना लेकिन विकास गुप्ता ने इसे नकारा है, इसका क्या कहना है? यार विकास गुप्ता के बारे में हम बात ही ना करें तो बेस्ट है, बिकॉज वो बिल्कुल यूजलेस है. उसके बारे में बात करना मतलब अपना दिमाग ख़राब करना, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे वो तो बोलेगा नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, वो अच्छी चीज़ों में पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं डालती हैं, वो पॉजिटिव चीज़ों में क्यों नहीं डालती हैं, आपने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि उन्हें अवार्ड कितने मिले, ऐसे ऐसे बात करने लगेगा. तो लीव इट, उसको छोड़ो. अभी अगर इन फ्यूचर आपको खतरों के खिलाड़ी में जाने का मौका मिले तो जाना चाहेंगे, क्योंकि विकास गुप्ता ने क्लियर कहा कि शायद उन्हें चांस ही नहीं मिला था, आप सेलेक्ट ही नहीं हुई थी, इस तरह की बातें कर रहे थे. विकास गुप्ता भी तो सिलेक्ट नहीं हुआ था, एकदम से कैसे चला गया? विकास गुप्ता की तो न्यूज़ में ही नहीं था कि विकास गुप्ता जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. खैर सी एक ही शो थोड़ी है खतरों के खिलाड़ी या फिर बिग बॉस, बहुत सारे शोज़ हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, और ऊपर वाले ने अगर आपकी किस्मत में काम लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कलर्स पर ही काम करेंगे, बहुत सारे चैनल्स हैं काम देने के लिए. मैम